हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आप अभिषेक के साथ। आई होप आपको मेरी सारी वीडियो पसंद आ रही हो। और आज के वीडियो में हम जिस फिश के बारे में बात करेंगे वो होगी हमारी कैटफिश। ऑलरेडी कैटफिश पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जो हमारी साइन डोंटस कैटफिश थी, जिसको हम अपसाइड डाउन कैटफिश के बारे में बताया था। ये उसी सीरीज़ में हमारे पास एक अलग टाइप की कैटफिश है, जिसको हम स्पॉटेड कैटफिश और वॉकिंग कैटफिश के नाम से भी जानते हैं। सो आज के वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कैटफिश के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। स्पॉटेड कैटफिश बहुत ही यूनिक फिश है। स्पॉटेड कैटफिश हमारी फ्रेश वाटर फिश है, मतलब अगर आप इसको रखना चाहते हैं एक्वेरियम में तो आप इसको खारे पानी या मीठे पानी, किसी भी पानी में आप इसको रख सकते हैं। स्पॉटेड कैटफिश को खास बात यह है कि इसको वॉकिंग फिश के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जब भी आपकी डैम्प एरियो में होती है इसकी आदत क्या होती है कि अपनी वाटर बॉडी चेंज करती है। सो अपनी जगह एक वाटर बॉडी से दूसरी वाटर बॉडी में जाती है। सो अगर उस दोनों वाटर बॉडीज़ के बीच में कोई भी लैंड पार्ट आ रहा है तो वहाँ पर अपने फिन्स एंड टेल की मदद से जंप करते हुए वाटर बॉडी को चेंज करते हैं, जिसकी वजह से लगता है चल रही है। इसी वजह से इसका नाम आपका वॉकिंग कैटफिश के नाम से ही पड़ा है। ये फिश आपकी अग्रेसिव नेचर की होती है। अग्रेसिव नेचर के साथ साथ ही हार्ड फिश की कैटेगरी में आती है, इसका मतलब ये फिश आपकी दूसरी फिश को अटैक कर सकती है। अगर इसके बॉडी शेप की बात करें तो ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल एंड वाइट कलर की होगी। इस पे आपको थोड़े बहुत ब्लैक रंग के कुछ स्पॉट्स दिख सकते हैं, ये इसके बॉडी स्ट्रक्चर। इन सभी फीचर्स के अलावा ये फिश आपकी मॉन्स्टर फिश कैटेगरी में भी आती है। वो फिश जो बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी अपना साइज गेन कर ले और वो इजीली 1.5 से 2 फुट तक पहुंच जाती है, उन फिशेस को हम मॉन्स्टर फिश बोलते हैं। जैसे कि आपका अरवाना फिश है, पाको फिश है, ये सारे फिशेस आपकी मॉन्स्टर फिश कैटेगरी में आती है। अगर हम इसके टैंक साइज की बात करें तो इसको मिनिमम एटलीस्ट आपको 3 से 4 फीट का टैंक देना पड़ेगा मिनिमम, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं। आप उसको जितना बड़ा टैंक दोगे उतनी ही बड़ी ग्रो होती रहेगी। बट आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट कि आप इसको एटलीस्ट 3 फीट से 7 फीट तक का टैंक दें, क्योंकि एक फुल्ली ग्रोन आपके कैटफिश का साइज अप्रॉक्सीमेटली 3 फीट तक पहुँच जाता है। तो ये बहुत ही जल्दी ग्रो होती है, और बहुत ही जल्दी ग्रो होने की वजह से इनका साइज बहुत जल्दी आपके टैंक को आउटग्रोन कर देता है, जिसकी वजह से इनको मॉन्स्टर फिश भी कहा जाता है। सो इनके लिए आपको एटलीस्ट 3 फीट से 4 फीट तक का टैंक देना ही होगा। अगर हम इसके छोटे साइज की बात करें तो इनको छुपना बड़ा पसंद है। सो इनके लिए आप जब इनका साइज छोटा है तो इनका आप कुछ हिडन स्पेस भी दे सकते हैं जहाँ पर ईजिली छुप सके। अगर हम इनके केयर की बात करें तो केयर लेवल इनका काफ़ी ईजी होता है। ईजी क्यों होता है? इनका जो इनका टेम्परेचर वेरिएशन होता है वो आपका 24 डिग्री से 29 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। ये इतने टेम्परेचर रेंज को ईजिली आपका टॉलरेट कर लेती है, और वही इनका पीएच की रेंज भी जो होती है, पीएच की रेंज भी काफ़ी ज़्यादा होती है, 6 से 8 तक आपका होना चाहिए। अगर हम कैटफिश के मेट्स की बात करें तो ये अग्रेसिव फिश है, तो इसको आपको सिर्फ अग्रेसिव फिश के साथ ही रखना है। तो जितने भी आपकी हार्ड फिशेज है, अग्रेसिव फिशेज है या फिर मॉन्स्टर फिश है, आप उनको इनके साथ रख सकते हो। लाइक पैरेट फिश है, ऑस्कर फिश है, पाको फिश है, क्रिकेट फैमिली के जितने फिशेज हैं, आपके ग्रीन टेरर है, अगर आप इसको चाहो तो आप इसको सेमी अग्रेसिव फिश के साथ भी रख सकते हो। जैसे कि आपका टिनफल बाफ फिश है, डॉलर फिश है, अगर आपके पास कोई फिश है जिसका साइज एटलीस्ट आपका 1 फीट तक है तो आप इन कैट फिशेस को इनके साथ भी रख सकते हो। बट कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपकी कोई फिश का साइज एटलीस्ट 1 से 1.5 फीट का होना चाहिए। इनके अग्रेसिव नेचर एंड दूसरे फिशेस को अटैक करने की वजह से इनको हम हार्ड सॉफ्ट फिशेस के साथ नहीं रखते। अगर आप इनको सॉफ्ट फिशेस का रखोगे तो ये आपके फिश को मार देगी। एज यूजुअल जो मैं आपको हर बार बताता हूँ, फिशेस के फूड के लिए सिर्फ वही फूड प्रेफर कीजिए जिसमें सबसे कम कलर हो। सो सेम अपने फिश के लिए यहाँ पर जो मैं फूड प्रेफर कर रहा हूँ वो है ऑप्टिमम का 3-in-1। इसी के साथ यहाँ पर मैं रिमोरा का शार्क फीड भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि इन दोनों ही फूड में आपका कलर सबसे कम होता है और मेरा वाटर को सबसे कम गंदा करता है। इसके साथ साथ ये फिश की क्वालिटी को काफ़ी अच्छा कर देता है, इसके साथ साथ ये फिश के कलर को भी काफ़ी अच्छा कर देता है। इन सब फिश फूड के अलावा आप हिकारी का क्रिकेट फूड एंड टेट्राबिट भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ही फूड आपके अच्छे हैं फिशेज़ के लिए। आप हमेशा वो फूड प्रेफर कीजिए जिससे आपके फिशेस की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाए। ये फिश आपकी ओमनीवोरस फिश है, मतलब पैलेट के साथ साथ ये लाइफ फीडिंग भी कर सकती है। तो पैलेट के लिए आप शार्क फीड, रिमोरा फीड, टेट्राबिट, हिकारी सब यूज़ कर सकते हैं, बट वंस इन अ 10 डे आप इनको लाइव फीडिंग भी दे सकते हैं ताकि इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो। लाइव फीडिंग के लिए आप ज़ेब्रा डिनर यूज़ कर सकते हो, जो स्पेशली फीडिंग के लिए बनी होती है। आई स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि आप गोल्डफिश का ना यूज़ कीजिए, आप फीडिंग के लिए ज़ेब्रा डिनर यूज़ कर सकते हैं। तो आप इनके लिए पैलेट्स एंड लाइव फीडिंग दोनों ही आप यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूँ
तो ये फ़िश मैंने होलसेल रेट पे 60 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से ली थी, बट अगर आप इसे छोटा साइज़ लोगे तो हो सकता है कि आपके मार्केट एरिया के हिसाब से आपकी प्राइस वेरी करे। मेरे अकॉर्डिंगली जो इसका प्राइस होगा पूरे इंडिया में मार्केट के हिसाब से वो आपका 60 to 150 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से होगा, ये फ़िश आपकी ज़्यादा कॉस्टली नहीं होती। सो आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई हो और आपको कैटफिश के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो आपको सारी मैं दे चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।